सर नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 10 महीने की 10 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां मेष राशि वालों के लिए। जो होकर रहेगी उसे आप नहीं रोक सकते, गारंटी के साथ होगी और इसे सुनने के बाद आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाने वाले। भैया 10 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां जो आपके 10 महत्वपूर्ण विषय थे उन्हें लेकर मैं आया हूँ। ग्रह गोचर अनुसार राशि के अनुसार मैंने ये प्रेडिक्शन किया जो चीजें आपकी अवश्य रूप से होगी जिसे लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित थे। तो आप शुरू करते हैं वीडियो, अधिक समय आपका नहीं लेंगे, शुरू करते हैं ये वीडियो मेष राशि वालों के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त है। 10 महीने की 10 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां जो कि मार्च 2000 से दिसंबर 2024 की रहने वाली है। तो बात करते हैं इस समय अप्रैल 2024 में और मई 2024 में। इस समय आप देखेंगे कि सूर्य आपके लग्न में विराजमान यानी कि उच्च के हो जाने वाले हैं। 15 अप्रैल से लेकर आपके 15 मई तक उच्च के रहेंगे। तो इस समय आपका मान सम्मान बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा, आप एकदम सूर्य के समान तेज हो जाएंगे। सूर्य हमेशा दूसरों को कुछ ना कुछ देता रहता है। भैया एक बहुत बड़े गिवर हो, हमेशा दूसरों को आप कुछ ना कुछ दोगे। उसी तरीके से इस समय देने का समय है क्योंकि गुरुदेव इस समय वहीं पर विराजमान है। गुरु सूर्य की युति आप देखोगे कि भैया ज्ञान सबको दे रहे हो, ज्ञान बांटते जा रहे हो, आप सबको पता नहीं लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। सूर्य एक अट्रैक्शन का केंद्र बनाता है, लोग आपकी तरफ प्रभावित होंगे, आकर्षित होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। गुरु अप्रैल के बाद द्वितीय स्थान में चले जाएंगे। अगर परिवार आपसे नाराज था, परिवार में कहीं विवाद था, कोई आपकी बात नहीं मान रहा था, बात नहीं सुन रहा था, तो इस समय परिवार वाले आपके साथ हो जाएंगे। वही वो गुरुदेव द्वितीय स्थान में विराजमान हो जाएंगे अप्रैल के बाद। उस समय आपका बैंक बैलेंस भैया तेजी से बढ़ने वाला है क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले हैं। आपके जो जीरो थे बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, आपके मोबाइल नंबर वाले जितने भी नंबर थे वो सारे वहां पर जाने वाले हैं। समझ लीजिए बहुत ज्यादा आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा, धन के आय के स्रोत इस समय बढ़ने वाले हैं। इस समय आपके अगर छोटे भाई बहनों से अगर मतभेद चल रहे थे वो भी समाप्त होंगे। पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, आप थोड़ा सा आंखों में जलन हो सकती है, उन चीज का आपको अप्रैल के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आंखों में जलन होती तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। वहीं पर राहु देव आपके 12वें स्थान में विराजमान रहेंगे, फॉरेन ट्रैवलिंग के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय पैर में भौरा लग जाएगा, आप तो भैया हर जगह जाएंगे, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होगी, छोटी यात्रा हो बड़ी यात्रा हो ट्रैवलिंग इस समय बहुत ज्यादा होने वाली है। विदेशी योग बहुत ज्यादा इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे विदेश घूमने जाए या आप खाने के लिए जाए या आप मीटिंग के लिए जाए या मिलने के लिए जाए क्लाइंट के लिए जाए, पर आपके विदेश योग इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। केतु देव आपके 6वें स्थान में विराजमान रहेंगे, इसलिए आप देखेंगे कोई आपका शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयत्न करेगा, षड्यंत्र रचेगा, आपको छवि बिगाड़ सकता है, आपके ऊपर कोई कलंक लगा सकता है, इससे आपको थोड़ा सा बचाव रखना है क्योंकि पूरे साल रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं पर आप देखेंगे शनिदेव आपके जून के बाद आप देखेंगे कि आप कुछ भी अगर ऐसा करना चाहते हैं, कोई चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो जून के बाद आपके नौकरी में चेंज हो सकते हैं। आप छोटा मोटा चेंज हो, चाहे आप ऑफिस की टेबल यहां से उठा के यहां रख दे, पर चेंज अवश्य रूप से होगा जून से नवंबर के बीच। मान लीजिए जुलाई के, क्योंकि जून के लास्ट में लग रहा है, तो जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में आपको जॉब को लेकर कोई ना कोई चेंजेस अवश्य रूप से होगा, चाहे छोटा परिवर्तन हो चाहे बड़ा परिवर्तन हो, अवश्य रूप से इस बीच में होगा। वहीं पर बात करते हैं 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में, ये डेट लिख लीजिएगा 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच और वहीं पर 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं या पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, कोई रिजल्ट इस बीच में आने वाला है या तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन देना चाहते हैं या जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं वो भी खास करके गवर्नमेंट की, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इस समय अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट आपके अनुकूल आएंगे, जॉब भी जहां भी इस समय देखिए इस पीरियड में अगर आप जॉब वहां पर सोच रहे हैं कि भैया यहां तो मेरी जॉब लग ही नहीं सकती थी, मैं यहां क्यों अप्लाई करूं, वहीं पर अप्लाई कर दीजिएगा, जॉब वहां पर लग जाएगी आपकी। लेकिन आपके जुलाई से लेकर जो प्राइवेट जॉब वाले हैं उनके चेंज का समय दिख रहा है, जुलाई के बाद आपका कोई ना कोई छोटा मोटा चेंज अवश्य रूप से हो सकता है। करियर को लेकर समय बहुत अच्छा रहने वाला है, करियर के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी है। वहीं पर आपके देखिए गुरुदेव विराजमान है, अप्रैल के बाद चेंज हो जाएंगे, तो ये आपके 6वें स्थान को भी देखेंगे, तो इस समय रोग शत्रुओं को भी इस समय थोड़ी सी हानि पहुंचाएंगे। जी हाँ, गुरु क्योंकि शत्रु के घर को देख रहा है तो आपके रोग थोड़े से कम करेगा, लेकिन आपके पेट संबंधी परेशानी अवश्य रूप से रह सकती है क्योंकि राहु देव वहां पर देख रहे हैं, इसलिए भूख कम लगना, लीवर संबंधी छोटी मोटी परेशानी रहेगी, कोई बड़ी ऐसे हमेशा परमानेंटली पराई नहीं रहेगी कि भैया पूरे साल हम बीमार रहने वाले, बिस्तर में पड़े रहने वाले, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर कोई केस वगैरह चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो उसमें आप विजयी अवश्य रूप से होंगे। इस समय इस साल अप्रैल के बाद अगर रिजल्ट आता है, अप्रैल के बाद की डेट लीजिएगा, उसके पहले आपको डेट नहीं लेना है कोर्ट केस की, जिसका
इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये साल आपका इस प्रकार से रहने वाला है, ये महत्वपूर्ण घोषणा मैंने कर दी है। देखिए जॉब भी अच्छी रहने वाली है, चाहे गवर्नमेंट की हो प्राइवेट की हो, सारी तरह के मान सम्मान मिलेगा। सूर्य लग्न में विराजमान हो रहे हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं दिख रही है सूर्य की, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो ये पूरी स्थिति आप कि इस प्रकार से रहने वाली है, ये मैंने आप सभी को बताया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य रूप से कीजिएगा। हर हर महादेव। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, ये पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।